नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारी चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए ऋषिकेश का और एक वीडियो लाए हैं, और यह है ऋषिकेश के स्ट्रीट फूड का वीडियो। स्ट्रीट फूड यानी कि जो हम ठेले पे, रास्ते पे जो भी बिकता है, और यही सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है। ऋषिकेश में भी ऐसा ही था। बहुत सारे, जैसे कि हमने आलू चाट का वीडियो आपके लिए अपलोड किया है, और चाउमीन मिलता है, और अलग अलग टाइप की चाट भी मिलती है वहाँ पे, और उसमें से एक ये भजिया भी है। ये जो आपको तलता हुआ दिख रहा है वो आलू पालक का भजिया है। तो ये जो ठेले वाले भैया है वो रोज़ शाम को ये ठेला लगाते हैं। और ये जो पर्टिकुलर ठेला है वो परमार्थ निकेतन जाने वाले, बीटल्स जाने वाले रास्ते पर लगता है, गंगा घाट के किनारे ही है ये। और ये काफ़ी तरह के भजिया यहाँ पे बनाते हैं, जैसे कि फूल गोभी का है, और ये आलू पालक का है, फिर पालक का भी बनाते हैं ये, प्याज का अलग से, आलू का अलग से, समोसे बनाते हैं, वड़ा बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं ये। और आज हम आपके सामने यही वीडियो लाए हैं कि वो किस तरह से ये बना रहे हैं, क्योंकि हमने सारे के सारे भजिया जो उस टाइम उन्होंने बनाए थे वो ट्राई किए। हमने ये जो समोसा बना रहे हैं वो भी ट्राई किए हैं वहाँ पे, और इनकी जो चटनी है, जो मसाला वो डाल के देते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर, वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कुछ अलग ही है, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं और ऐसा कुछ खाया होगा। आपको देखने पर से काफ़ी साधारण लगेगा ये, लेकिन जब आप इसे चखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये साथ में चाय भी बनाते हैं, तो भजिया के साथ। अब इतनी सर्दी थी जब जनवरी, जब हम गए थे जनवरी में, और उसके साथ जब आप ये गर्मा गर्म भजिया खाएंगे और उनकी अच्छी इलायची वाली, अदरक वाली चाय के साथ, तो आप काफ़ी इस चीज़ को इंजॉय करेंगे। तो उसी तरह से आप वीडियो को भी एंजॉय कीजिए, और हमारी चैनल पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। दोनों ही दे देना। होते नहीं है, और जब ग्राहक नहीं है कोई भी, जल्दी हो जाएंगे तो जल्दी हो जाती है।